बहुत ही सुंदर गाया। रसियाबाजी को जाई को नाम है, जब तक दुबानी ना हो तो मथुरा में ना हो। हम क्या करें, हम तो गीत का छोर गा रहे लेकिन बोले मजा आना चाहिए जनता, और जनता है मजा ना आवे तो फिर हमारो गाय वो बेकार। बाबूजी गीत तांगे बारी है और के इनको सामान जानो है, इनको नलबोरे को काम है, मजबूरी थी है कि तांगे बारी बिचारी बोलते ना है, घूंगी है। अब इनकी बात करवावे के लिए मोर पीछे में आना पड़े हो, सेटिंग तो करवानी पड़ते, बाद में कोई ना पूछे तो बिचौलिया है। अब तांगे बारी की और इनकी क्या बातें होंगी, पीछे में मोर कच करनी पड़ेगी। इनको सामान जानो है, इनको काम है नल बोरिंग को। अब नल बोरिंग को तो तुम काम जानते ही हो, पहले तो तिपाही बहुतरी बड्डी होते, फिर जितने बोल्टन के वाके रंजन के पुलंदा बन जाते हैं और बाद में पीछे तो धर तो बाल्टी, और जब बाल्टी रखी जाते तो महाराज जी तांगो दबाऊ और उछारू है जातु। अब बातें हो रही है जिस लाइन पे आपको आनंद आए, बस सुस्ती मत आने देना, जिम्मेदारी हमारी है, पूरी रात मजा ना आए तो उसका हो। हुस्न वाले तो हमेशा ही तगा देते, बड़े बुरे माऊ धमका मार रही है। गुरु गुरु तुम ना समझ रहे अबे, क्या फूलों के संग में लेके कली एक दिन गुलाब की डाली आ गई है, और जीन लतांगे बाली। जिसने सोले फिल्म में तांगा चलाया है वो हेमा मालिनी भी यहाँ आ गई है, और हमारे जो पंटी सैनी बैठे हैं 10 नंबर वार्ड से सभासद हैं, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रही है, तो आप उनके लिए भी तालियां बजाओ क्योंकि उन्होंने 200 रुपए दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हुस्न वाले तो हमेशा ही दगा देते, हुस्न वाले तो हमेशा ही दगा देते हैं, हुस्न वाले तो हमेशा ही दगा देते, जान कर फिर भी हम उन्हें दिल में जगा देते, चोट देते और कलेजे पे उम्र भर के लिए चाहने वाले को मिट्टी में मिला। गुरु हमारे पप्पू भैया ने फिर 100 रुपया दाए के रार बाल में देख के गीत गई हो, अगर वो खुश है गए तो मामलो सही है,
चौके जो रिश्तेदार आदमी है भगवान सैनी जो अतकाए और ना मानेंगे ना तो मैं तो अपने कलुआ भैया से कह दूंगा फिर वहां पहुंच जाऊंगा घर। हाँ साहब अब देखिए इनकी और इनकी आपस में क्या बातें हो रही है। हाँ साहब बाली सुंदरा तांगे बाली सुंदरा तोते एक जरूरी काम और ले जा तू सामान बोल कितने लेगी यार के का बवाल है बवाल के पूरो है ये हमारे 100 रुपए आदरणीय पार्षद बंटी सैनी जी और 100 रुपए लक्की सैनी जी जी जाई गुजर है किराए के चक्कर में कहा कह रहे ले जा तू सामान में रोक के बिगड़ गई ले जाई सामान ले जा तू सामान मेरा और बोल कितने लेगा। अरे इन्हें छोड़ दे इन्हें छोड़ दे मान जा आसाराम की अभी तक जमानत ना है री आजा इनको तो कोई गवाह सबूत ना होगो तुम मोटे बात करो जी तो ले जाई कोई रट्टो परगो तो जमानती पैदा ना हो त्यारो या उम्र में क्या बाबा कहां ले जाओगे या ये सुबह ते है गई। अब सुनो हमारी मानो जाते बात न करके हम ते बात करो इन्हें लाल वाले ने सतारा था इन्हों को बताखा कह रही है ना समझ में आई कुछ मेरी ना समझ में आ रही यार तुम्हारी समझ में कुछ आई जी यो कह रही है कि सामान तो ले जाएंगे लेकिन बाईपास पे है कि ले चलो एक भीतर ले जानो तो सुनो अरे वो सच सच के सच सच दे पता कहां तर ठोर ठिकाना है मोए सच सच दे कहां तर ठोर ठिकाना है और बाहर ते ही काम चले मनोज शर्मा जी है जनता मथुरा की ये ऐसे चिरोटाए कि चिरैया आंख समझ जाए तो समझ जाता है चिरैया मन में का है। गिरार बारे कह रहे हैं अगर भीतर ले जाई तो 51 रुपया है और बाईपास पे है कि लावे तो 100 रुपया मैं दूंगा। और ये आदरणीय मोहन सैनी जी सैनिक आदर वालों की तरफ से 100 रुपया आए बहुत बहुत धन्यवाद सच सच दे ये 100 रुपया सुंदरलाल सैनी जी ने हमको दिए मैं आशीर्वाद ही कामना करता हूँ। अरे वो सच सच दे पता कहाँ तर ठोर ठिकाना है
और बाहर तेई काम चले, ये बाहर तेई काम चले या भीतर पड़े घुसार। उनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तू खोल के रेट बता। मांजा मांजा ज्यादा उधम मत कर। नेक देर पहले मनोज भैया गा रहे कि नेक मजा की खाते सबरी जिंदगी बर्बाद है। अरे तू खोल के रेट बता और जान का सरमान है और सामान मेरो मैडम, सामान मेरो मैडम जे भीतर तक जानो। और ये रेशमा जी भगवान नगर से फिर 500 रुपए का आशीर्वाद, एक बार तालियां बजा करके स्वागत करिए। तू खोल के रेट बता जान का सरमानो में और सामान मेरो मैडम भीतर तक जानो। सुनो रारवारे सामान जबर प्यारो, सामान जबर प्यारो इतो तक टकरावे गो, सामान जबर प्यारो इतो तक टकरावे गो। छोरा ने चाय फैलाए दो आराम से बैठ के पी लियो। सामान जबर प्यारो टकरावे गो। और सुन लो के है तंग गली इतनी, क्या बात है। सामान जबर प्यार इतना उतक टकरावे गो और है तंग गली इतनी बड़ी मुश्किल से जावे गो। है तंग गली इतनी बड़ी मुश्किल से जावे गो। तू मान जा, चार धक्का मार के कोई काउ खाई में डाल जाओ, टांगे ले जाओ और थाने दारू जे पतो लगा रहे हो का आखिर लिखू तो लिखू का। ये 100 रुपया लक्की भैया दे रहे हैं और 100 रुपया हमारे पप्पू भैया कह रहे हैं कि रार बारन ते पूछो के अब चलो जाओ गली में कि ना जाओ टांगो। ये तो पहले ही रैया जता साफ मेरो समझानो है, ये तो पहले ही रैया जता साफ मेरो समझानो है। और ये विशेष उपहार सुरेश चंद भंडारी जी, गंगाराम पंकज शर्मा बंसी वाले मंडी, रामादास रामदास मथुरा उनकी तरफ से ये चांदी का सिक्का और 50 रुपया। बहुत बहुत आभार इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो पहले ही रही है जता साथ मेरो समझानो है। सुनने जी आज की बात ना है। अच्छा नई बात ना है और पुरानी है गई। जब पुरानी बात है गई तो घंटा भरते मौका ही लगाए प्रयोग लल्ला सेटिंग करवाए। अरे जे कई बार ले गई अब आइए, ये कई बार ले गई वो रास्ता जाने देखो है। अच्छा खूब देखो है जान तो ये
जेई बार लेगी जो बकरी मोरी है, ये कई बार ले गई जो बकरी मोरी है। और जे शुरू में तंग लगे, ये शुरू में तंग लगे, ये पर भीतर तो चौड़ी है, ये शुरू में तंग लगे पर भीतर तो चौड़ी है। और क्यों मोकू रही सता, क्यों मोकू रही सता, खाम खा करे महानों में। अब सुनो मेरी बात, अलग अलग तरह के रुपया है किराए के हूं। अरे चाचा सुन ले, कहा है वो घंटा भैया, नागा में चीज उतर जाए बताओ, तो आदमी नहीं मानने। कोई बात ना, बन के इनका जवाब दे रहे हैं, उसके बाद में केवल एक चीज गा रहे हैं, वहां के लिए वहां तो घंटा है। कोई बात ना, एक आदमी है बिल्कुल रिश्तेदार है। हाँ, बहुत जल्दी कर दूंगा चाचा, नाराज मत हो। अब सुन लो, अलग अलग रुपया कैसे लगता है, कैसे क्या, जो तुम ओवरलोड करो, जो तुम ओवरलोड करो, जो तुम ओवरलोड करो, तो थाने दाल भी अटकेंगे। मुकेश नौहबारी रार बारे तक के जो कछु के नहीं सो, सब त्यारे पीछे कारट तो है। अरे जो तुम ओवरलोड करो तो ताने तो थाने बारे अटकेंगे, और लाइन पसंद आया तो ताली। जो बीच में सामान धरो, जो बीच में सामान धरो, जो बीच में सामान धरो, तो पुलंदा इतो पलट के बीच में सामान धरो। और यहीं पे छाप लगाते हुए, अरे ना जाने मेरी खता, अरे ना जाने मेरी खता, ना जाने मेरी खता, जा जाने मेरी खता, आजकल बुरो जमानो है। और सस्तो शर्मा दे खता, सस्तो शर्मा दे खता, अजब साहूकार को कानो है। बाहर ते काम चले,